नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण निषाद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब भी आपका चालान कट जाता है तो आप बाइक या फोर व्हीलर का चालान कटने के बाद कैसे आप उसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो भी चालान का राशि है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे। यहाँ पर हम आते हैं सर्च बार में और यहाँ पर हम परिवहन टाइप करते हैं। परिवहन टाइप करने के बाद यहाँ पर ई चालान का लिंक दिया गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, गेट चालान डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चालान का डिटेल, आप यहाँ पर चालान नंबर फिल करें या फिर व्हीकल नंबर फिल करें या फिर डीएल नंबर फिल करें। तो हम यहाँ पे चालान नंबर फिल करते हैं और फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चालान आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर चालान का जो स्टेटस है पेंडिंग है और ये अमाउंट यहाँ पर आपको 2000 रुपये की राशि दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अगला जो स्टेप होगा मोबाइल वेरिफिकेशन होगा। तो इस दौरान आप यहां पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर टाइप करके सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को आप यहां पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आप यहां पर सबमिट करेंगे। जब सबमिट हो जाएगा तो अगला इंटरफेस जो होगा वो यूपी राजकोष की वेबसाइट का होगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे और नीचे आएंगे, प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अगला जो इंटरफेस होगा यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड का होगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी होगा आप उस माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कन्फर्म करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा कन्फर्म करेंगे और उसके बाद आगे जो इंटरफेस आएगा वहाँ पर हम कार्ड का डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उनको हम क्रमशः फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कार्ड नंबर फिल करेंगे, अगले क्रम में यहाँ पर एक्सपायरी डेट फिल करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और यहाँ पे एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम और उसके बाद सीवीवी नंबर और जो कैप्चा दिया गया है उन सभी को हम फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद हम फाइनली लास्ट में जो पे ऑप्शन दिया गया है उस पे बटन पर क्लिक कर लेंगे। पे बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। और डिडक्ट होने के बाद यहाँ पर पहले आपका जो भी होगा ओटीपी वगैरह आएगा, आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो ओटीपी आने के बाद हम उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पर करीब कुछ सेकंड्स पेज होल्ड होगा और कुछ सेकंड्स पेज होल्ड होने के बाद पेज अपडेट होगा तो हमारा जो भी चालान की रिसिप्ट है वो आपको इंटरफेस में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारा यहाँ पे चालान का जो भी अमाउंट है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम जनरेट योर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिसिप्ट आ जाएगा। इसका हम प्रिंटआउट भी ले सकते हैं या फिर कंप्यूटर की डायरेक्टरी में सेव करके भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे परेशानियां ना हो, आप इसे दिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।